भारतीय जैन संगठन द्वारा लंबे समय से ऐसे बच्चों की मदद की जा रही है जो आर्थिक तंगी के कारण कटे फटे होंठ या चिपकी हुई तालुका का उपचार या ऑपरेशन नहीं करवा पाते हैं। इसी उद्देश्य से इंदौर में आज एक आयोजन किया गया। आयोजन प्रमुख ने बताया कि कलेक्टर लोकेश जाटव की मौजूदगी में दशहरा मैदान स्थित एक कैंप लगाया गया, जहां ऐसे बच्चों के रजिस्ट्रेशन किए गए जिन्हें आर्थिक तंगी के चलते अपने कटे फटे नोट या चिपकी हुई तालुका के ऑपरेशन की आवश्यकता है। संगठन के प्रमुख के मुताबिक 2 से 15 वर्ष तक के बच्चों के ऑपरेशन भारतीय जैन संगठन द्वारा करवाए जा रहे हैं। बीते 26 वर्षों में करीब 2,66,892 पीड़ितों का निशुल्क ऑपरेशन करवाया जा चुका है। उनके मुताबिक अमेरिका से आए हुए डॉक्टरों द्वारा ऑपरेशन किए जाते हैं। वहीं इस दौरान बच्चों के खाने पीने व तमाम तरह की रहन सहन व्यवस्था संगठन ही वहन करता है। महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा ऐसे पीड़ित बच्चों की जानकारी संगठन को दी जाती है। आपको बताना चाहेंगे कि इस तरह के ऑपरेशन अगर कोई निजी खर्चे से करवाए तो एक मरीज पर करीब 50 से 60 हजार रुपयों का खर्च आता है। ऐसे में भारतीय जैन संगठन द्वारा लाखों का कार्य गरीब बच्चों के लिए निशुल्क किया जा रहा है। जैन संगठन द्वारा ऐसे बच्चे जो 2 माह से लेकर 15 वर्ष के हैं, उनके बचपन से कटे पिटे होंठ हैं या चिपके हुए तालू हैं, उनके हम निःशुल्क सर्जरी करवाते हैं। अभी पिछले 26 वर्षों में भारतीय जन संगठन ने पूरे भारत में 2,66,892 बच्चों की निःशुल्क सर्जरी करवा चुके हैं। ये सर्जरी करने के लिए अमेरिका के डॉक्टर्स की टीम आती है जो कि निःशुल्क सर्जरी करती है, और बाकी सारी व्यवस्थाएं भारतीय जन संगठन करता है। उनके सर्जरी के दौरान खाने पीने की भी, कैंप के दौरान नाश्ता चाय पानी पूरी व्यवस्था हमने की है। ये पेशेंट किस तरह आपके पास पहुँचते थे, कहाँ कहाँ? ये पेशेंट्स को बुलाने के लिए हमें महिला एवं बाल विकास बड़ी अच्छी मदद करता है। उन्होंने इंदौर संभाग के करीबन 16,000 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कहा कि ऐसे बच्चों को ढूंढ ढूंढ के लाएँ, और ऐसे हमारे पास करीबन 250 रजिस्ट्रेशन अभी तक हो चुके हैं।